हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए। तो दोस्तों, आज मैं आपको कोई इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप लोग ऑनलाइन मोफा नंबर कैसे जान सकते हो और आपका वीजा हुआ काला हुआ या नहीं हुआ है वो सब कैसे आप जान सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों को परेशानी हो जाती है। क्योंकि जब कई लोग जाते हैं मेडिकल कराने, फिर वहाँ से जब मोफा नंबर मांगते हैं तो वो अपने एजेंट को फ़ोन करते हैं, तो एजेंट कई कई बार फ़ोन नहीं उठाते हैं, इसलिए कई लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो आज इसी बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में और आपको डेमो करके दिखाऊँगा, तो वो सब आप ला के जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ चुका अपने लैपटॉप पे और यहाँ पे आप कोई भी ब्राउजर में ओपन कर लीजिए। जैसे मैं मोजिला में बॉक्स में ओपन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे गूगल लिख के टाइप करता हूँ मैं, ये गूगल लिख के सर्च किया, गूगल आ गया। अब यहाँ पे लिखा हूँ मैं वीजा पर्सन, ये देखिए नीचे आ गया, यही आप डॉट कॉम लिख के सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे। देखिए मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब ये जो वेबसाइट है यही लिख के आप सर्च करेंगे तो आएगा, और नहीं आ पा रहा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आप सर्च कर सकते हो तो वो आ जाएगा वहां से भी। ये देखिए यहाँ ये वेबसाइट, यही वेबसाइट लिखेंगे आप, यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट वाला जो मोफा लिखा है वो ओपन करेंगे, यहाँ पे ओपन हो रहा। देखिए थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, तो आप क्या कर लेते हैं, तो आप ये यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हम पासपोर्ट नंबर से केवल जानेंगे, तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालेंगे। चलिए देखिए मैं पासपोर्ट नंबर यहाँ नीचे डाला हूँ, आ चुका है ये पासपोर्ट नंबर, यहाँ डालेंगे। और यहाँ पे करेंट लोकेशन आपका जो भी लोकेशन है आप वो वहाँ का डाल सकते हैं। जैसे मैं इंडिया का हूँ तो मैं इंडिया डालूंगा। फिर यहाँ पे आपका वीजा डालेंगे, वीजा टाइप आपका किस प्रकार का वीजा है, वर्क वीजा है, मेडिकल वीजा है, गवर्नमेंट वीजा है कि विजिट वीजा है, फैमिली वीजा है, क्या है। तो अब मेरा वर्क वीजा तो मैं वर्क का डालूंगा। फिर यहाँ पे वीजा इस वक्त, तो ये वीजा आप कहाँ पे सबमिट कराएं, मुंबई में अगर इंडिया के हैं तो मुंबई में कराएं, दिल्ली में कराएं, कहाँ कराएं, तो वो आप जहाँ भी हो वहाँ पे जहाँ पे आप कराए होंगे वहाँ का डाल लीजिएगा। ये मैं कराया हूँ यहाँ पे मुंबई का, तो मुंबई डाल लेता हूँ। ये देखिए मुंबई आ रहा है। अब ये सब यहाँ पे कैप्चर कोड डालेंगे, यहाँ कैप्चर कोड अंकों में डालेंगे कैप्चर कोड। ये देखिए ये दोस्तों ये सब हो गया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हम, ये पासपोर्ट नंबर भी होगा, लोकेशन वर्क वीजा ये सब हो गया। अब यहाँ सर्च पे हम क्लिक करेंगे, सर्च पे जैसे ही क्लिक करेंगे अगर आपका वीजा इशू होगा तो यहाँ पे वीजा इशू नंबर लिख के आ जाएगा, और नहीं होगा तो वीजा नॉट फाउंड लिख के आएगा और वीजा कुछ नहीं आएगा। तो इनका वीजा इशू है तो देखिए आ गया, अब ये क्लोज किए। यहाँ पे देखिए इनका फोटो भी आ गया है और यहाँ पे सारा इनका डिटेल आ गया, कहाँ पे ये सब है, ये वीजा टाइप लिख गया, स्टम्पिंग कहाँ हुआ है, वीजा वकाला कहाँ हुआ है, नाम क्या है, उम्र, फिर आप ये सब आएगा। तो इस तरह का दोस्तों ये सब आ जाएगा। और आप राउंड कर लीजिए, नीचे आएंगे ये सब देख लीजिए, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये एप्लीकेशन डेट ऑफ कब स्टम्पिंग हुआ है, कब आया है, ये सब आ गया। दोस्तों आप यहाँ प्रिंट जो लिखा है यहाँ प्रिंट आउट करके प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं, तो इससे ये दोस्तों फायदा रहेगा। तो दोस्तों इससे ये फायदा रहेगा, आप जब मेडिकल कराने जाएंगे उसके जब मोफा नंबर मांगेगा तो ये आप ऑनलाइन चेक करके निकाल के उसको दे सकते हैं, ना कि आप एजेंट के फोन उठाने का इंतजार करेंगे कि आप फिर एजेंट के क्या आएंगे, आप चंद मिनटो में निकाल के उनको दे देंगे तो आपका काम प्रोसेस थोड़ा लेट भी नहीं होगा, आप आगे बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो मैं आपको बता दिया कि मोफा नंबर ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि वीजा स्टम्पिंग हुआ है कि नहीं हुआ है और कहाँ पे स्टम्पिंग हुआ, मुंबई हुआ है, दिल्ली हुआ है, ये सब जानकारी मैं आपको बता दिया। जानकारी आगे कुछ और बताने के लिए है नहीं, तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बगल में बेल आइकन का ऑप्शन भी है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताऊं वीडियो में शेयर करूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देखें। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।